संध्या, मुझे मेरे सूत्रों से ये पता चला है कि शहर में गैर कानूनी तरीके से शराब मंगाई गई है और पुष्कर में बाजार रोड के आसपास ही कहीं उनका गोदाम है। तुम तो जानती हो संध्या, चुनाव आने वाले हैं, अगर ऐसे में शहर में गैर कानूनी शराब आएगी तो मुझे नहीं लगता ये सब ठीक होगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ऐसा करके इलेक्शंस को प्रभावित किया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने संध्या, अगर इसी तरह से वोट खरीदे या बेचे गए तो लोकतंत्र और कानूनी कार्रवाई पे भी सवाल उठ सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को किसी को भी हल्के में लेने नहीं दूंगी। थैंक यू संध्या, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस बात को काफी गंभीरता से लोगी। थैंक्स कहने जैसी कोई बात नहीं है कविता जी, बल्कि मैं तो आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए कानून की मदद की। ठीक है संध्या, मैं चलती हूँ। जी इंस्पेक्टर लोहिया, गाड़ी निकालिए। मैं कबाड़खाने में लेके आ गई। जाने यहाँ ऐसा क्या मिलेगा। नई नई वर्दी पहनी है ना, इसलिए जोश उबल रहा है। 2-4 हफ्तों में सब ठंडा हो जाएगा। आई है भाग दौड़ कराने के लिए। चलो आ जाओ। सर यही वो गोदाम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सर जी, मुझे तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, सीधा साधा कबाड़े का ही काम है। जहाँ सामने से सब कुछ ठीक लगे और इतनी भर भी संदेह ना हो, समझ लो वहीं कुछ गड़बड़ है। बाकी तो जांच करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि हमें मिली खबर सही है या गलत। अब चले। अरे मैडम जी, आप लोग मैडम जी। आप लोग यहाँ मैडम? क्यों? आना मना है? अरे नहीं मैडम जी, आप ही क्या है। अरे सतीश, या चाय पानी का बंदोबस्त कर जल्दी से। बन कुछ और मंगाओ आपके लिए। कुछ नहीं, तलाशी लेने आया है, सर्च वारंट है आपके खिलाफ। तलाशी? किस चीज की मैडम तलाशी? अपना तो छोटे मोटे सामान का छोटा मोटा धंधा है, ईमानदारी की रोटी खिलाता हूँ अपने परिवार वालों को, और आपको तलाशी लेनी है फिर भी आप ले लीजिए तलाशी। देखिए आप हमें अपना काम करने दीजिए, आप आराम से आके बैठ जाइए। अच्छे से देखो इधर। कबाड़ के गोडाउन में इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम? अब तो आपको यकीन हो गया ना मैडम जी, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सर जी, चप्पा चप्पा छान मारा, कबाड़ के अलावा कुछ नहीं मिला यहाँ। सर जी कुछ नहीं मिला वहाँ, सिर्फ फालतू सामान पड़ा हुआ है पुराना। देखिए ना मैडम, इन लोगों को भी कुछ नहीं मिला, मैं आपसे पहले ही कह रहा था। बेकार का समय बर्बाद करने पर चस्का लगा है। एक बात बताइए, आपके ये सारे सामान की कीमत कितनी होगी? जी मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा आपके गोडाउन में जितना भी सामान है उसकी कुल कीमत कितनी है? मैडम ये सब पुराने सामान की क्या कीमत होगी मैडम? तो फ्री में दे देंगे? अरे नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब यही कोई 35-40 हज़ार रुपए। 35 से 40 हज़ार। वाह, आपको तो आपके सामान का खरीदार खड़े खड़े ही मिल गया। जी मैं कुछ समझा नहीं मैडम। चेतन जी, गाड़ी में से जाके चेकबुक लेकर आओ। जी 50 हज़ार तो ठीक रहेंगे ना आपके सारे सामान पे? लीजिए अब से ये सारा सामान मेरा है। हेतन जी, जाके जरा अगरबत्ती और वाचिस लेकर आओ। मतलब सर? कबाड़ है तो क्या हुआ, नया नया सामान खरीदा है मैंने, पूजा तो करनी ही होगी ना। अब हमारे घर में जब भी नया सामान लिया जाता है तो की पूजा की जाती है। जाओ जाकर पूजा का सामान लेकर आओ। जी आप पानी पिला रहे थे ना? जी अभी लाए। लोहिया एक बार बताओ, रूल के हिसाब से ऐसे छोटे मोटे गोडाउन के अंदर कितने लीटर फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ सकती है? सर 10-10 लीटर के दो काफ़ी होंगे, और वैसे भी सर ये कबाड़ी वाला थोड़ी ना ये सब सामान रखेगा। सर ये लोग वैसे भी अग्निशामक केंद्र के भरोसे रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी ना कोई महंगा सामान होगा जो इतना बड़ा नुकसान होगा इसका। ये लीजिए। मैडम जी क्या कर रही हैं आप? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? आग लग जाएगी यहाँ पे। पुराने सामान में आग। वैसे भी आपका सारा सामान बिक चुका है, लगती है तो लग जाने दीजिए। नहीं मतलब आप तो ऐसे पसीने से लथपथ हो रहे जैसे आपका इससे ज्यादा कीमती सामान जलने वाला है। नहीं नहीं मैडम जी वो कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं। ऐसी बात कोई हो भी ना तो अच्छा। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? आग लग जाएगी ना। अगरबत्ती गिरा तो बहुत अशुभ होता है, ये कैसे हो गया मुझसे? ये मैडम करना क्या चाहती है? तो समय भी ठीक नहीं है। सारा सामान अब मैं घर तो लेकर जा नहीं सकती हूँ, सब कुछ बेकार हो गया। आपको पैसे भी दे चुकी हो, अब तो सामान मेरा ही हुआ। एक काम करती हूँ, सारा सामान जला देती हूँ। पैसे गए तो गए, पर अब अशुभ सामान को रखने का कोई फायदा नहीं है। बेकार में ये सामान मेरे घर पर भी कबाड़ ही रहेगा। नहीं नहीं, अब इसे और कबाड़ बनने नहीं दे सकती मैं। क्या कह रही है मैडम, ऐसा मत करिए। माचिस से जला देती हूँ। मैडम क्या कर रही हैं आप? सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे मैडम क्या करिए? क्या कर रही मैडम आप? मैडम प्लीज ऐसा मत करिए। आपने मेरे को सही किया। अब खेत है जाके जरा मिट्टी का तेल लेकर आना। मैडम आग लग जाएगी, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैडम मेरी बात समझिए मैडम। आप चिंता मत कीजिए, एक साथ जल जाएगा। सामान तो मैंने खरीद ही लिया है। मैडम समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सुनिए तो मैडम, अरे मैडम जी सुनिए तो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए मैडम, सुनिए तो प्लीज, ऐसा मत करिए मैडम जी, मेरी बात सुनिए। अरे मैडम, मैडम प्लीज समझने की कोशिश करिए, क्या कर रही मैडम? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी समझिए, मेरी बात सुनिए तो, सुनिए मैडम, मैडम जी सुनिए मेरी मेरी। अरे सर आप लोग समझाइए ना, मैडम को रोकिए ना प्लीज। यार हम नहीं समझा सकते, सर के मूड में जो आएगा वो वही करेंगे। समझाइए ना मैडम को। पीछे से शुरू करनी पड़ेगी आप। ऐसा मत करिए प्लीज, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता मैडम, मेरी बात सुनिए, आग मत लगाइए। क्या कर रही मैडम जी, मत करिए मैडम जी, समझिए मेरी बात सुनिए तो। छोड़िए इसे, सारा सामान मैं खरीद चुकी हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, मैं लूट जाऊंगा। लाखों का नुकसान, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, मेरी सारी शराब जल जाएगी, आप समझ नहीं रही है। शराब मेरा कहने का मतलब है तो यानी यहाँ पे शराब रखी हुई। कहाँ है शराब? शराब कहीं नहीं मैडम। लोहिया आग लेकर आओ। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो वहाँ है। कहाँ है? उसके पीछे पीछे मैडम। संध्या राठी का एएसपी बन के पुष्कर में आना हमारे लिए तो बहुत ही फायदे में है। कितनी बेवकूफ है ना संध्या, और वो भाभो वो भी कितनी बेवकूफ। इतिहास गवाह है नीतू कि जहाँ दो बेवकूफ होते हैं ना, वहाँ तीसरा समझदार फायदा उठा ही जाता है, और यहाँ तीसरे समझदार हूँ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।